अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आपको ओईटी और ओटी में से भी जो लिसनिंग सबसेट है वो समझा रही थी और इसका जो पार्ट ए है वो हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग मेनली बात करेंगे पार्ट बी की। ओवरऑल आपको पता है कि जो लिसनिंग वाला पोर्शन है उसमें 55 एमसीक्यूज होते हैं और 30 वाला ऑलमोस्ट पास होता है, बट टू बी ऑन सेफर साइड आप ट्राई करें 31-32 जो हैं आपके आ जाएं। बाकी आपके सैंपल्स में भी प्रैक्टिस करें कि 33-34 आते रहें, नहीं तो आप अपना टेस्ट डेफर भी कर सकते हैं। ओके, सो पार्ट बी की बात करेंगे। पार्ट बी में बेसिकली आपने याद रखना है कि 6 एमसीक्यूज हैं, ये इसका पैटर्न है और क्वेश्चन होता है। देन हमारे पास ऑप्शन ए बी सी हैं जिसमें से आपने बेस्ट वन जो भी आपको लगता है सुन के कि रिलेट हो रही है उसको चूज करना है। कैसे, अभी एक सैंपल सुनते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। सो पार्ट बी की अगर हम बात करेंगे तो पार्ट बी के अंदर बेसिकली हमारे पास 6 एमसीक्यूज हैं जिनको अभी सॉल्व करके देख लेते हैं और बाकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। अब यहाँ आ जाते हैं सैंपल के ऊपर। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आपने वो लिंक यूज़ करना है और उसमें जाके आपने ऑडियोज़ जो हैं वो डाउनलोड कर लेनी है। सो पार्ट बी की ऑडियो डाउनलोडेड है, वो प्ले करेंगे, सैंपल को रीड करेंगे और फिर देखेंगे कि हम कहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, सो ये पार्ट बी है और अभी हम इन दिस पार्ट ऑफ द टेस्ट यू हियर 6 डिफरेंट एक्सट्रैक्ट्स। In each extract, you'll hear people talking in a different healthcare setting. Okay. For questions 25 to 30, choose the answer A, B or C, which fits best according to what you hear. Okay. You'll have time to read each question before you listen. Complete your answers as you listen. Okay. So isme keh rahe hain? Now look at question 25. Bol bhi dega. You hear a consultant talking to a woman whose father has just been admitted to hospital. Okay. Now read the question. What does she wants to know? अच्छा, अब क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि आप एक कंसल्टेंट को सुनोगे जो एक वुमन से बात कर रहे हैं, उस वुमन के फादर बेसिकली बीमार हैं। तो आपने ये ऑडियो सुन के अंदाज़ा लगाना है कि वो वुमन क्या जानना चाहती है। What does she wants to know about this his condition? Sorry. वो ये पूछना चाहती है कि क्या ये बीमारी कितनी सीरियस है, वो ये पूछना चाहती है कि कितना पेन हो रहा होगा, या वो ये पूछना चाहती है कि कब तक एक डायग्नोसिस आप लोग मुझे दे देंगे। अब ये तो मैंने पॉज करके समझाया ना, पेपर में ऐसा नहीं होगा। अब वो एक्सट्रैक्ट सुनते हैं। ये बीच में टाइम आ जाता है ताकि आप लोग इसको स्टडी कर लो। ठीक है, So we've talked about the various things that might have caused your father to collapse. A lot of times we investigate multiple symptoms so as to rule out any life-threatening conditions. So it could take some time to get to the bottom of the problem? Possibly. In the meantime, he's quite stable now and we're encouraged by the progress that he's making. Well, I'm glad to hear that. But at least he's not in any great discomfort, is he? According to the assessment at the bedside by his nurse, his pain is well controlled, and we'll try to keep his sedation at an adequate level until we're ready to begin treatment. Okay. So, देखे ना, अब उस कंसल्टेंट ने बता दिया कि थोड़ा टाइम लगेगा डायग्नोसिस तक जाने में, तो आपने फौरन इसको नहीं पिक कर लेना। ये बात तो कंसल्टेंट ने की है ना, आपने इस चीज़ पे फोकस करना है वुमन क्या जानना चाहती थी। उसने कहा ओके फाइन, बट मैं ये देखना जानना चाहती हूँ वो कितने डिस्कम्फर्ट में है, जिसको फिर उसने आगे से एक्सप्लेन किया कि नहीं, हमारी असेसमेंट के मुताबिक वो स्टेबल है, उसका पेन वेल कंट्रोल्ड है। तो बेसिकली वो उसके पेन के बारे में जानना चाहती थी। आपने वुमन पे फोकस करना है क्योंकि बोली तो उन्होंने ये तीनों कंडीशन हैं कि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, तो आपने फौरन इसको नहीं करना क्योंकि बात कंसल्टेंट ने की है, आपने वुमेन का पॉइंट ऑफ व्यू टेक करना है। तो मेरे ख्याल से आई एम नॉट श्योर, बट इसका जो आंसर है वो बी है। आगे चल के हम जरा आंसर्स चेक भी कर लेंगे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि आप ट्रेनिंग नर्स को सुन रहे हो, रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम हर ट्यूटर अबाउट द वार्ड राउंड शी जस्ट कंप्लीटेड, व्हाट वुड हैव इंप्रूव द नर्स परफॉर्मेंस। अच्छा, उसको कुछ बताया गया होगा कि ये चीज़ तुम करती तो तुम्हारी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती। अब क्या वो चीज़ वो करती वो भी सुन लेते हैं। क्या वो पेशेंट से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेती, या वो पेशेंट को इन्फॉर्म कर देती, या वो पेशेंट को अपडेट्स को जो है सॉरी नोट्स को मज़ीद अपडेट करती, क्या चीज़ वो करती तो उसकी परफॉर्मेंस बेटर कंसिडर होती, ये अब हम ज़रा सुनते हैं। Question 26. ये क्वेश्चन सुनना है, ठीक है, गौर से। You hear a trainee nurse receiving feedback from her tutor about the ward round she's just completed. Now read the question. What would have been improved the nurse performance? ठीक है, हम इसके ऊपर जरा गौर कर लेते हैं।
How do you feel your ward round went with that patient? I really should have told him what I was about to do, rather than just rolling up his sleeve to take his blood pressure. Yeah, it would have been preferable, but at least you realise. Thanks. I think you did your observations really well, though. You checked the patient's details are correct, you put the date in, you timed it correctly, you observed that all your parameters are within normal range, and you did the respiratory rate while you were doing your manual pulse. Yes, the pulse was quite strong and regular. And you could have passed that on to reassure the patient too. Mm. But you look back at the previous observations, put your signature at the bottom. That's all good. Thanks, okay. शायद उसने बात की है कि तुमने बाकी सब तो ठीक किया, जो उसकी पल्स भी ठीक थी, तो ये बात तुम्हें पेशेंट को बता देनी चाहिए थी। उसने ये कहा है कि आपने पेशेंट को ठीक से इस बारे में इन्फॉर्म करना, तब ज़ाहिर है बीच में पॉज तो नहीं आता है समझाने के लिए, मैं ले रही हूँ तो कंटिन्यूस होता है, बट मेरे ख्याल से इसका जो आंसर है वो बी है, बट आई एम नॉट श्योर। लेकिन मुझे यही समझ आई कि मैंने उसकी पल्स ली और उसने कहा हाँ अच्छा था कि अगर वो तुम उसको इन्फॉर्म कर देती तो ये ज़्यादा बेहतर होता, बाकी तो सारी चीज़ें तुमने ठीक की हैं, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप एक हॉस्पिटल नर्स जो है उसको सुन रहे हो, जो कि क्या करी है, ब्रीफ करी है कुलीग को अबाउट अ पेशेंट विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, व्हाट डज ही वांट हिज कुलीग टू डू, वो क्या चाहती है कि उसका कुलीग क्या करे, जल्दी से सुन लेते हैं। नर्स ब्रीफिंग अ कोलीग अबाउट अ पेशेंट विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और COPD। Now read the question. What does he want his colleague to do? He wants to chat that he will encourage kare mobility, organize a visit by a dietitian or consult kare medical team ke sath. To in options ko na jaldi se aapne read kar lena hai, theek hai? Let's see wo kya chahta hai. What does he wants his colleague to do? So, who's next? The patient in bed 12. Mm-hmm. She had a fall at home about a month ago, but she's otherwise independent with her day-to-day activities. Mm-hmm. Her falls risk is high given her recent history. She's been assessed by the physio and she's on a rollator frame to ambulate. Mm. Her skin integrity is intact and she's responded well to all treatment. Good. She's on a normal diet. Mm-hmm. The observations were last done at 6 a.m. and they were stable. Her medications are IV tazosin due at 2 p.m. Mm-hmm. and prednisone next due at 8 a.m. tomorrow. Okay. You need to check with the doctors today whether she'll continue with the IV antibiotics and whether the cannula can be removed. Mm-hmm. At this stage, they're aiming for discharge in a couple of days' time, pending discharge from the physio and also ceasing IV antibiotics. Okay, mm-hmm. Thanks. यही के मेडिकल टीम से बात करें और फिर डिसाइड करें कि क्या उसका कैनुला रिमूव करें, उसकी डाइट कंटिन्यू करें या क्या करें, ठीक है? तो यहाँ मुझे लग रहा है कि ऑप्शन जो है two hospital managers talking about a training session for people who do voluntary work with patients. आपने ट्रेनिंग को सुना है? Now read the question. वो कहता है कि what does the manager think about the course? कोर्स के बारे में क्या सोचता है? कि बहुत कम लोगों ने कोर्स को अटेंड किया. The content may need revising for future sessions. में हमें कंटेंट रिवाइज करना चाहिए या फीडबैक इनकरेजिंग नहीं था. ठीक है, हम ये देखेंगे कि वो किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं. सुनते हैं. So how do you think the volunteer training course went? Well, we had a reasonable turnout, considering that these people already give up their free time to drive patients to appointments, visit inpatients, all sorts of stuff like that. Mm-hmm. It's quite a lot to ask. It's a wonder so many managed to fit in the training too. And they did seem to get something out of it, if the feedback sheets are anything to go by. From my point of view, though, I just wasn't sure whether it went into issues like customer care, confidentiality, that kind of thing, you know? In enough depth. Well, that's something we can always look into before we roll out any more. Well, I think we should. ठीक है, उसने कहा कि अच्छे खासे लोगों ने कनेक्ट किया और फीडबैक जो है वो भी Question 29. ऑप्शंस तो नहीं है. So, मुझे लग रहा है कि इसमें भी हमारे पास बी ऑप्शंस हैं. Talking to a doctor about a patient's medication. Okay, पेशेंट की मेडिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं. What is the pharmacist doing? ठीक है, आप फार्मासिस्ट डॉक्टर से बात कर रहे हैं, फार्मासिस्ट क्या कह रहा है? साइड इफेक्ट बता रहा है, डोजेज को चेक कर रहा है या कह रहा है कोई ऑल्टरनेटिव ट्राई करते हैं, तो क्या कह रहा है ना, अब हम इस चीज के ऊपर फोकस करेंगे. Sorry to bother you, Dr. Baker. I just wanted a quick word about Mrs. Milton's prescription, the one for anti-inflammatories that you gave her after last week's consultation. Oh, yes, for her osteoarthritis. Yes, so she's been on them for a week now, 500 milligrams twice daily. The thing is, she's just been into the pharmacy complaining of a headache ever since she started the medication. Really? Mm. Well, that does... The one for anti-inflammatories that you gave her after last week's consultation. Mm. Oh, yes, for her osteoarthritis. Yes, so she's been on them for a week now, 500 milligrams twice daily.
The thing is, she's just been into the pharmacy complaining of a headache ever since she started the medication. Really? Mm. Well, that does happen in some patients, but maybe switching her on to a different anti-inflammatory wouldn't be a bad idea. Okay, I'll look into some options and then run them past you later, shall I? Fine, thanks. Okay, अब देखो ना, इसके अंदर उसने ये कहा है कि हम देखेंगे कोई और ड्रग ट्राई करने का. तो कोई और ड्रग ट्राई करने के बारे में डॉक्टर ने बात की, फार्मासिस्ट ने बात नहीं की है. व्हाट इज़ द फार्मासिस्ट डूइंग? उसने क्या किया था? उसने साइड इफेक्ट बताया. डोज को भी उसने चेक नहीं किया, बस उसने नॉर्मली कह दिया कि वो 500 एम जी बी डी ले रही है. और इशू ये आ रहा है कि मैं उसके बारे में क्यों बात करने आया हूँ, क्योंकि उसको साइड इफेक्ट हो रहा है, यानी हेडेक हो रहा है. ठीक है, तो यूं आपने जो है वो क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है. अब अगर हम लोग बात करें ना इन ऑप्शंस की, तो इन ऑप्शंस में से हमें लग रहा है कि सारी ऑप्शंस जो हैं वो ठीक हैं, क्योंकि उसने डोजेज की भी बात की है, ऑल्टरनेटिव की भी बात की है. लेकिन ऑल्टरनेटिव की बात डॉक्टर ने की है, हमने फार्मासिस्ट वाली बात जो है उसको पिक करके लिखना है. लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप एक सर्जन को सुनोगे जो कि अपनी टीम के एक मेंबर से बात कर रहा है. एज दे आर फिनिशिंग अ सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जन सेज देयर नेक्स्ट प्रायोरिटी शुड बी, कि उनकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए. वो रूटीन के एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को कंप्लीट करेंगे, कोई एक फॉल्टी पीस है शायद उसको ठीक करने की बात होगी, या अप्रोप्रिएट बेड लोकेट करना है. तो सुनते हैं कि सर्जन की प्रायोरिटी क्या है. ठीक है, क्वेश्चन 30. अच्छा सा टाइम होता है, बीच में रीड कर सकते हो. Talking to a member of his team as they are finishing a surgical procedure. Now read the question. Ye focused hai, theek hai? Jo wo baat karenge hum yahan highlight karte jayenge. Good, there's no more bleeding. The procedure's finished. Can we just do the sign out? How much contrast did we use? That was 120 mils of Omnipaque, and we did reach a high dose. You'll have to fill out a high dose form. I'll do that afterwards. Mm. The other thing was that the ultrasound machine was giving us a few problems. Yeah, I'll have to get the technician on the phone. Do it now, though, because we'll need it if we're going to get through all hours today. Do we need to send this patient up to HDU? Actually, everything was quite straightforward, so I'd say a regular ward bed is fine. उसने फौरन कहा, उसने कहा एक regular bed इसको दे दो, that is fine. जो immediate काम तुम्हें करना है वो ये कि ultrasound machine खराब है, उसको अभी report करो. मेरा ख्याल है इसका आंसर जो है वो B ही है. आप चेक कर लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन कितने से ठीक है. So that's the end of part B. ठीक है, अब पार्ट सी को हम बाद में देखेंगे बेटे. तो ये ना आपका पार्ट बी है, सही है. अब पार्ट बी में आप लोगों ने सुन लिया है, सॉरी फॉर दिस मेस, आपने सुन लिया है कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह से ट्रिकी किया हुआ होता है. असल में ये जो तीनों ऑप्शंस हैं, ये उसने ना बोलते हुए तीनों ऑप्शंस बोली होंगी, बट आपका फोकस ये होना चाहिए कि क्वेश्चन किसके बारे में पूछा जा रहा है. उसने कहा कि वो कंडीशन के बारे में क्या जानना चाहती है. लाइफ थ्रेटनिंग की बात उसने की नहीं थी, इट्स अ लीथल कंडीशन, ये डॉक्टर ने बात की थी. वो ये जानना चाहती थी कि मेरा फादर कितने डिस्कम्फर्ट में है. ठीक है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, पहले हम लोग देख लेते हैं क्या आंसर्स हैं, और उसके बाद फिर मैंने जिस तरह से आपको ट्रिक करके बताया है कि आप 3-4-5 प्रैक्टिस करें, फिर आप क्वेश्चंस आंसर्स जाके पढ़ें, इंडिपेंडेंटली करें, तो ये भी इनफ है. ये चीज़ें एकेडमी ना सिखाती है ना बताती है, वहाँ आपने सैंपल परफॉर्म करने हैं और आपने घर आ जाना है. ठीक है, कोई इतना ज़्यादा वो आपको नहीं बताते हैं. तो ये पार्ट बी के आंसर हैं. आंसर इज बी बी सी बी ए बी. ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्या ठीक है. बी बी सी बी ए बी. ओ वाह, हमारे सारे क्वेश्चन जो हैं ठीक हैं, और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बेटे. ये तो अगर आपको एक दफ़ा समझ आ जाए कि आपका फोकस क्या होना चाहिए, आपका फोकस एक नंबर वन ये कि क्वेश्चन की हेडिंग आपका जो फोकस है ना वो हेडिंग होनी चाहिए कि आपसे ना किसके बारे में बात की जा रही है. ठीक है, आपसे किसके बारे में पूछा जा रहा है. जब उसने फार्मासिस्ट का पूछा ना, तो आप सिर्फ फार्मासिस्ट की वर्डिंग्स के ऊपर गौर करो. डॉक्टर ऑल्टरनेटिव पेश करने का कह रहा है, तो डॉक्टर को गौर ना करो. ठीक है, और ऑल्टरनेटिव वाली ऑप्शन को सेलेक्ट ना करना. उस पे फोकस करो जिस पे उसने फोकस करने का कहा है, और उसी को जहन में रखते हुए कन्वर्सेशन को सुनो और टिक कर दो. होता ये है कि हम लोग थोड़ा गुम हो जाते हैं, बट यहाँ बीच बीच में हमने रोका ना, वहाँ तो डायरेक्टली ये 6 क्वेश्चंस जो हैं वो बोले जाएंगे, और आपको ए बी सी में से जल्दी 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 पिक करना होगा. बट इट्स क्वाइट डूएबल, अभी हमने करके देखा, आप पर्सनली भी करके देखें, आराम से ये हो जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट बी. पार्ट बी में थोड़ा सा मसला है कि मुश्किल लगता है, बट स्टिल पार्ट ए सबसे आसान है, पार्ट बी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और सी तो अल्लाह ही माफ़ करे. अभी नेक्स्ट वीडियो में सी करेंगे, अभी अच्छा खासा मुश्किल है, बट ये दोनों पार्ट में आप कोशिश करें तो आप जो है वो 24 यहां से ले लें, 6 यहां से ले लें, तो आप वैसे ही पास हैं. पार्ट सी तो बेशक आप स्किप भी कर दें, बहरहाल तुक्के भी लगाओगे तो 2-3 नंबर पार्ट सी में
आ ही जाएंगे यहाँ तक. पार्ट बी के अंदर अगर कोई कंसर्न है, कोई इशू है, तो प्लीज़ वो मुझसे पूछ लें. अगेन इसकी की यही है कि नंबर वन आप पैटर्न समझो. आपने ये देखना है पार्ट बी के अंदर कि वो क्या उसकी डिमांड है, और फिर आपने उसी पर्सन की वॉइस जो है उसके ऊपर फोकस करना है. ठीक है, तो यूँ आपका पार्ट बी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट वीडियो में लास्ट पार्ट सी को डिस्कस करेंगे, जो थोड़ा सा मुश्किल है. मुझे भी इतना नहीं आता, वो तुक्के पे ही जाता है मोस्टली लोगों का, बट पार्ट बी आसान है. ठीक है, फिर एनी कंसर्न और क्यूरी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.